CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गोरमी छात्रावास की वार्डन श्री सरोज कौशल ने CEN News को बताया कि राज्य सरकार से जो सुविधा मिलती है उनके अलावा भी वो अपनी सैलरी से पैसे खर्च करके इस छात्रावास में बालिकाओं के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा। मैं अनिल मैथिल CEN News से। आज हम इंटरव्यू लेंगे गोरमी की छात्रावास की वार्डन श्री सरोज कौशल जी का, और वो हमें बताएंगे कि गोरमी के छात्रावास में जब उन्होंने यहाँ पर आई थी 2006 से लेकर अभी तक कितनी सुविधाएं इन्होंने यहाँ की, गवर्नमेंट की मदद से की, कुछ उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से की, और आज यहाँ की जो अपने ग्रामीणवासी छात्राएं हैं उनको ये बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं। और उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है यहाँ पर बालिकाओं को शिक्षित करने का। तो आओ हम मिलते हैं सरोज कौशल जी से। जी मैम, आप बताएं इसे हॉस्टल की स्थापना कब हुई थी? सर नमस्कार, इस हॉस्टल की स्थापना सन 2006 में हुई। मोटिवेशन कैंप 26, 27, 28 2006 में लगाया गया, जुलाई के महीने मंथ में, और उस समय से लेके हम लोग आज दिनांक तक निरंतर वर्क करते आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन इसको कोशिश में है कि अच्छे से अच्छा बेहतर वर्क दे सके। जब आप यहाँ पर आए 2006 में, तब यहाँ पर छात्राओं को पढ़ाने के लिए कितनी रुचि थी यहाँ के ग्रामीण वासियों में, और आज क्या स्थिति है उसके बारे में थोड़ा हमें स्पष्ट करें। उस समय हम लोगों को गांव-गांव संपर्क करना पड़ता था, जाके अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लेके, एक महिला शिक्षिका को साथ में लेके, क्योंकि अगर महिला शिक्षिका साथ में नहीं जाती थी तो उस समय मतलब कोई भी व्यक्ति एक अपनी बच्ची को किसी के पास छोड़ना संभव नहीं था कि वो रात्रि विश्राम के लिए छात्रावास में रुकना है, जो 24 घंटे बच्चे को, यानी कि बच्ची को तभी छोड़ा जा सकता है किसी हॉस्टल में जब महिलाएं हों। तो हम लोगों को खुद जाना पड़ता था, उन्हें भरोसा दिलाना पड़ता था कि ये बच्ची आपकी नहीं है, हमारी है, और पूरा सुरक्षा से लेके खाने पीने रहने सारी व्यवस्थाओं की उनको पूर्णतः भरोसा दिलाते थे कि आप निश्चिंत रहिए, मेरे पास है, ये बच्ची को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज स्थिति ये है कि उस समय गांव में संपर्क करना पड़ता था, आज अपने आप स्वयं पालक चल के आ जाते हैं। नाम इतना हो चुका है ईश्वर की दया से कि अपने आप ही एडमिशन। 2006 में जब ये हॉस्टल की स्थापना हुई जी, तब ये छात्राएं पढ़ने इसी हॉस्टल में पढ़ती थी कहीं बाहर पढ़ती थी? हाँ, इससे ये हॉस्टल वैसे तो ड्रॉप आउट शाला था ही, अप्रवेशी, और जिनके गांव में माध्यमिक शालाएँ नहीं हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है। स्पेशली सामान्य बच्चे नहीं आते हैं। उस समय क्या था कि जो व्यवस्थाएं थी, अपन ने संपर्क किया स्कूल में, सॉरी छात्रावास में लेके आए, उसके बाद इनको विद्यालय में दर्ज कराया। इनकी जो पढ़ाई होती है वो विद्यालय में होती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेज रहती हैं वो अपने हॉस्टल से दी जाती। यही उस समय था, यही आज भी है। अच्छा जी, जैसे कि ये जिला भिंड है, तो यहाँ पर क्या था कि छात्राओं को पढ़ाने के लिए ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पर ये जब से सरोज जी आई और उन्होंने गांव में संपर्क किया जैसे बता रही हैं, और उसके बाद आज यहाँ इन्हें संपर्क नहीं करना पड़ता, यानी कि इतना इन्होंने यहाँ पर ग्रामीणों को इतना शिक्षित कर दिया, समझाया कि बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए। तो जब 2006 से और अभी तक का खाना वगैरह ये सारी सुविधाएं सारी चीजों में चेंज हुआ है, सारी चीजों में चेंज हुआ है। उस समय अपना जब हॉस्टल ये संचालित हुआ था 50 सीटर, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने व्यवस्थाओं को देखते हुए 100 सीटर किया। उस समय क्या था कि 50 था लेकिन स्कूल की बिल्डिंग में चलाया था हम लोगों ने 2 कमरे। आज आपको आप स्वयं देख रहे हैं कि बिल्डिंग है 2011 से बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, और आप 100 सीटर अपन चला रहे हैं, और सारी सुविधाओं में चेंज है। इनका व्यवसाय का भी क्लास लगाए जाते हैं, स्कूल टीचिंग के साथ साथ वोकेशनल टीचिंग भी।
उसमें अपना संगीत है, सिलाई कढ़ाई बुनाई है, और इनके लिए कढ़ाई पेंटिंग वेंटिंग सारी चीज़ें दी जाती हैं आज की जी। और इनके लिए जैसे स्कूली ड्रेस तो मिलता ही है स्कूल से, उसके अलावा अपन यहाँ से भी इनके लिए ड्रेसेस है, स्वेटर है, अंडर गारमेंट्स है, और तेल साबुन किट जो भी मंथली हाइजीन किट रहता है वो भी देते हैं। जैसे कि जो बच्चियां हैं उन्हें हम देखते हैं कि वो जब छात्रावास में आती हैं तो उन्हें लेटने की क्या व्यवस्था है, ये थोड़ा हम कैमरामैन से कहेंगे तो थोड़ा इधर थोड़ा ये दिखाएं कि यहाँ पर लेटने के लिए छात्राओं के लिए क्या व्यवस्था है आज। तो दीदी ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर कौशल जी, 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 जी। और ये इस व्यवस्था को गवर्नमेंट ने भी किया है कि ये आपके दिमाग से ये ऐसा कुछ गवर्नमेंट का किया हुआ तो सारा गवर्नमेंट का ही रहता है, पर कुछ अपन ने अलग से जोड़ा हुआ है। जैसे कि अभी क्या है 750 रुपए की राशि इनके बिस्तर के लिए आती है जो इनके पालकों के या स्वयं के खाते में जाती है,